वैश्विक महामारी कोरोना वायरस राजधानी दिल्ली में बेकाबू होती दिख रही है। यहां संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ने के साथ ही रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में कुछ कमी नजर आई है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 4000 से अधिक मामले सामने आने के बाद संक्रमण का कुल आंकड़ा 4 लाख के करीब जा पहुंचा है, जबकि मृतकों की संख्या भी बढ़कर 6600 से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही एक्टिव केस भी बढ़कर 33000 से अधिक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 4001 नए मरीज मिले, वहीं 42 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 3,96,371 हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, बीते 24 घंटे में दिल्ली में 4,824 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामले भी बढ़कर 33,308 हो गए। वहीं अब तक कुल 3,56,460 मरीज इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 6,604 पर पहुंच चुकी है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।